हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के एक और मुकाबले के बारे में, जो कि गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला जाने वाला है। मैच खेला जाएगा 27 अप्रैल को शाम 7:30 बजे। हम बात करेंगे किन प्लेयर को इन्वेस्ट करना, कैसे ट्रेड करना, जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट और रिटर्न मिल सके। वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आपको बताऊँ, तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया रुपया पैसा को, तो जाके फॉलो कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से इंस्टाग्राम हैंडल है, आप देख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज करके आप अपने क्वेरी को सॉल्व भी कर सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया रुपया पैसा का, तो वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी है, अपडेट है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी जाएंगी इंस्टेंटली। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन भी कर सकते हो, तो काफ़ी सही है। दोनों ही चीज़ों का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप प्लस चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि केवल और केवल 99 रुपीज़ पर मंथ के सब्सक्रिप्शन फीस के साथ है, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक उसका भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जिनके पास टाइम नहीं बचता है एनालिसिस करने के लिए। लाइक मतलब वो जॉब कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी कौन से प्लेयर को बाई करना है और किस प्लेयर को सेल करना है, रेट्स वगैरह सब आप जानते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। बेसिकली आपको कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल बाई एंड सेल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया, और साथ ही साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो चाहे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सिर्फ सिक्सर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। सभी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बच्चे चेकआउट जाकर जरूर कर लेना। बात करें हम मैच की, तो गुजरात काफ़ी मजबूत है, टॉप ऑफ द टेबल है। वहीं बात करें हैदराबाद की, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी वापसी करी है। बेसिकली दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ तो बॉलिंग काफ़ी अच्छी है दोनों ही टीमों की। खैर ये अलग की बात है, हमें टीम नहीं बनानी है, वी हैव टू लाइक ट्रेड ऑन द प्लेयर्स। तो मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। बात करें विजय शंकर की, तो काफ़ी ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं, प्राइस काफ़ी लो चले, टीम से बाहर भी चल रहा है, कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का भी इनके ऊपर, ठीक है। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है, टीम अगर गड़बड़ करती है, मतलब गुजरात की टीम अगर 2-3 मैचेस लगातार हारती है, तो हो सकता है कि विजय शंकर को वापस से मौका दिया जाए, बट अभी ऐसे चांसेस बिल्कुल भी नहीं। टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आधे मैचेस इन्होंने खेल लिए हैं लीग के, तो फिर अभी यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विजय शंकर को टीम बाहर ही रखने का कोशिश करेगी। बात करें राहुल तेवतिया को, देखो लगातार इनकी प्राइस डाउन जा रही है, इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि इनको मौके ही नहीं मिल रहा। मतलब आप सब जानते हो कि जब से राहुल तेवतिया ने ऐसी बैटिंग करी है, जब इन्होंने केवल सिक्सेस लगाए, 2 छक्के मारकर टीम को जिताया है, 5 छक्के मारकर टीम को जिताया, तो लाइक एक टीम मैनेजमेंट जो है इनको उस नज़रिए से देख रही है कि ये प्लेयर को तभी बैटिंग के लिए भेजना है जब 1 ओवर में 15 रन बनाने हो, 1 ओवर में 20 रन बनाने हो, यानी कि जब टीम को कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाने हो, ठीक है। टीम इनको कभी नहीं बैटिंग के लिए भेजेगी जब इनिंग बिल्ड करनी हो, जब लॉन्ग पारी खेलनी हो, इसके लिए वो अभिनव मनोहर या फिर कोई ऐसे बैट्समैन को भेजेगी जो कि लॉन्ग इनिंग खेले। तो बेसिकली टीम ने इनको एज अ फिनिशर रखा हुआ है, एज अ पिंच हीटर रखा हुआ है, और इसका सबसे बड़ा जो असर है वो प्लेयर के ऊपर आप दिख जाएगा। आप खुद देखोगे मैचेस के अंदर कि राहुल तेवतिया आते ही मारना के रन बनाने की कोशिश करने लगते हैं, और खुद को उनका भी जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो चुका है, एज अ फिनिशर वो काम करना चाहते हैं। और जैसे भी आप देखोगे, अगर टीम उनको 15वें ओवर में भी ला रही है या फिर 10वें ओवर में भी वो बैटिंग करने आ जा रहे हैं, अगर टीम कोलैप्स कर रही है, तो भी राहुल तेवतिया 10 गेंदों में 20 रन बनाएंगे, 2 छक्के मारेंगे, 3 चौके मारेंगे, ऐसा कुछ होगा, वो इनिंग बिल्ड नहीं कर सकते। उनकी मैंटेलिटी खुद बदल चुकी है कि हमको शॉर्ट इनिंग खेलनी है और रन ज़्यादा बनाना है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से इनका प्राइस जो है काफ़ी डाउन चल रहा है। एक चीज़ याद रखना, अगर ये टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो राहुल तेवतिया को ऊपर बैटिंग करने का मौका मिलेगा, बैटिंग सेकंड कर रही है तो बैटिंग करने का मौका इनको नीचे ही मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी लो प्राइस वाले प्लेयर हैं उनको आप होल्ड करके ज़रूर रखो, किसी ना किसी दिन उनका जो है पारी आएगा और अच्छा बैटिंग करके आपको प्रॉफिट ज़रूर दिला के जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, सारी चीज़ें आपको वीडियोस में ही मिलेंगी, जो भी लॉजिक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे कॉपी पेस्ट करने के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब आप टेलीग्राम पर नहीं पा सकते, किसी डायरेक्ट आप जहाँ पर चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन गेन कर ले बिना वीडियो देखे, वो चीज़ आप लॉजिक नहीं पा सकते, ये चीज़ ध्यान में रखना। एग्जाम्पल के तौर पर रियान पराग की अगर हम बात करें, रियान पराग को लगातार खिलाया तो जा रहा था, ना उनको बैटिंग का चांस मिला था ना बॉलिंग का मिला था, लेकिन कल के मैच के बाद आपने देखा एक ही मैच में उन्होंने 50 मारी और उसके बाद से उनका प्राइस कम से कम 10 रुपया बढ़ गया, ठीक है। अब वहाँ से आप उनको सेल करके एग्जिट कर सकते हो, तो ये फ़ायदा होता है, आपको प्लेयर लो प्राइस में मिल गया और एक ही दिन में उन्होंने करीब करीब 30% का प्रॉफिट दे दिया आपको, तो क्या चाहिए फिर। आप होल्ड करके रखो, आप रियान पराग को 25 रुपीज़ में बाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा तो आपका लग नहीं रहा है,
और आप होल्ड करोगे तो जिस दिन आप एक मैच में सेल करोगे आपको तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए लो प्राइस वाले प्लेयर को आप हमेशा होल्ड करके रखो, एक ना एक दिन उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी होगी। वही हाल है राहुल तेवतिया के, आप सब जानते हो किस तरह के बैट्समैन है, प्राइस भी काफ़ी लो चल रही है। बात करें रिद्वान साहा, ओपन कर रहे हैं आप इनको जरूर से ट्रेड में ले सकते हो, अच्छे प्लेयर है, सारच के लिए भी अच्छा इन्होंने पारियाँ खेली है, तो आप इनको जरूर से ट्रेड में लेना। बात करें मैथ्यू वेट छोड़ दो, नहीं खेलना है, डोमिनिक ड्रेक छोड़ दो, रोमेनुल्ला गुरबाज छोड़ दो, नूर अहमद छोड़ दो, जयंतम सुमन गिल की बात करो तो जरूर से बाई कर लेना भाई, ये लो पे चल रहे हैं और आप सब जानते हो कि किस तरह के कंसिस्टेंट बैट्समैन है, काफ़ी लगातार इनिंग्स इनकी फ्लॉप हुई है, तो जैसे इनको आप बाई करके होल्ड करोगे 2 या 3 मैचेस बाद आपको आराम से फिर से 10 से 15 रुपये प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो जरूर से सुमन गिल को बाई कर लेना। अभी आप देख सकते हो कि ये चल रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक। वहीं बात करें डेविड मिलर की, तो डेविड मिलर का भी हाल वही था, एक दिन 35 रुपीज़ में बिक रहे थे, आज देखो 53 हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के साथ ये भी चल रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी प्राइस लो प्राइस वाले प्लेयर उनको बाय करके जरूर रख लेना, अभी डेविड मिलर को ऊपर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। वही बात करें अल्जारी जोसेफ छोड़ दो, लकी फर्ग्यूसन छोड़ दो, समी राशिद खान इन सभी को छोड़ दो, हार्दिक पांड्या आप सब जान रहे हो एक टाइम पे 35 रुपीज़ में चल रहे थे और अभी देखो 75 रुपीज़ के आसपास से ऊपर हो गए, तो आप समझ सकते हो कि टाइम कैसे बदल जाता है, आपको केवल और केवल पेशेंस दिखाना है और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने जीटी के बारे में बता दिया, वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। बात करें हैदराबाद के साइड से, तो अब्दुल समाद देखो, अब्दुल समाद आप ये भी लो प्राइस में, लेकिन इनको अभी बाई करने का कोई मतलब नहीं, टीम में जगह ही नहीं है, तो फिर आप इनको छोड़ दो। स्टार्टिंग में इनको खिलाया जा रहा था बट इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया नहीं, तो आप अभी इनको ऊपर ट्रेड मत करो। बात करें गर्ग की, तो छोड़ दो, सिरज गोपाल छोड़ दो, कार्तिक त्यागी छोड़ दो, केन विलियमसन को जरूर से बाई कर लेना भाई, स्लो है बट कंसिस्टेंट प्लेयर है, काफ़ी अच्छी इनिंग बिल्ड कर सकते हैं, तो आप इनको जरूर से बाय कर लेना, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, 15 से 20 रुपये आप मैक्सिमम जा सकते हो पर शेयर के हिसाब से, बट तो भी ठीक है, आप इतना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो पर शेयर के हिसाब से। बात करें निकलस पुरन की, बात यह है कि देखो भाई अभी आप थोड़ा टाइम दो, इनकी प्राइस और लो आने वाली है, क्योंकि ओपन कर रहे हैं अभी केन विलियमसन, साथ ही साथ अभिषेक शर्मा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोअर ऑर्डर की बैटिंग आ नहीं रही है, बीच में आपके राहुल त्रिपाठी हैं जो आउट ही नहीं होते हैं, उसके बाद से फिर एडन माकरम है जो कि अच्छी पारियां खेल रहे हैं, तो इसकी वजह से निकलस पुरन की बैटिंग नहीं आ पा रही, तो थोड़ा टाइम दोगे प्राइस निकलस पुरन की काफ़ी नीचे आ जाएगी, देन यू कैन बाय और फिर वेट करो, तो किसी ना किसी दिन निकलस पुरन भी आपको प्रॉफिट देखे जाएंगे। बात करो मारियो सेफर्ट छोड़ दो, एडन माकरम को मैं अभी बोलूँगा छोड़ दो, लेकिन जैसे ही 50 के आसपास आते हैं 50 के नीचे आते हैं जरूर से बाय कर लेना, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, 5 से 10 रुपया मैक्सिमम आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है एडन माकरम की तरफ से। बात करें ग्रैंड फिलिप्स खेल नहीं रहे, सोन अवार्ड छोड़ दो, भुवनेश्वर कुमार छोड़ दो, अभिषेक शर्मा छोड़ दो, राहुल त्रिपाठी ऑलरेडी हाई पे चल रहा है, जिन लोगों ने ट्रेड किया हुआ जान लोगे वो अभी प्रॉफिटेबल है, वेट करोगे, जिन लोगों ने ऑलरेडी बाई करके रखा है राहुल त्रिपाठी को छोड़ दो, इंतजार करो, ये प्लेयर काफ़ी आगे जाने वाला है, 60-70 रुपये तक पहुंच जाएगा, आप सब जान लो जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 3 पे आ रहे हैं और ज़बरदस्त प्लेयर है, तो इनका वेट करते थे अगर आपने बाई करके रखा हुआ है। तो बाकी वाशिंगटन सुंदर और ये देखो मोहम्मद नबी गलती से यहाँ पे दिया हुआ, तो इनको छोड़ दो, मार्को जेनसन भी अच्छी बॉलिंग करे, टी नटराजन, तो सभी ऑलरेडी हाई प्राइस पे, इन सभी को छोड़ दो, फोकस करो जो अच्छे प्लेयर्स हैं लो प्राइस पे उनको आप बाई करो और इंजॉय करो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि ऐसे प्रॉफिटेबल कंटेंट आपको देखने को मिलते रहेंगे फैंटेसी से रिलेटेड, फैंटेसी ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।